शेर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। जी हाँ, आपकी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन ख़राब नहीं हुई है और ना मेरा वीडियो ख़राब है, मेरी न क्वालिटी ख़राब है। हाँ, ये जो नज़ारे हैं ये रोहतांग पास के मानसून सीजन के हैं और हमारी गाड़ी बादलों के बीच चल रही है। इस प्रकार जो बादल है वो रास्ते के अंदर आपको स्वर्ग जैसा एहसास करवा रहे हैं, तो ऐसा एंजॉय लेना चाहते हैं जैसे मैदानों में फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज वाला रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ, फ्रिज खोलते हैं तो जिस प्रकार की हवा आ रही है उसी प्रकार का एहसास यहाँ हमें हो रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा आपको साफ दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन इस प्रकार के नज़ारे बादलों के अंदर स्वर्ग जैसा फील, ए पैराडाइज जैसा अनुभव करना चाहते हैं तो चले आइए मानसून सीजन में रोहतांग पास। तो ये बादलों के नज़ारे केवल एक्सक्लूसिव आपके लिए रोहतांग पास से, मदन गोपाल की ओर से, रेनबो सेवन चैनल की ओर से। तो ये नज़ारे आपको कैसे लग रहे हैं इसकी डिटेल से हम बात करेंगे, नज़ारे देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आने वाले पार्ट में आगे मैं आपको बताऊंगा कि रोहतांग पास में बर्फ़ कितनी बची है, कितनी दिनों तक चलेगी। साथ में यह भी बताऊंगा कि मानसून सीज़न में रोहतांग पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि यह वीडियो रोहतांग पास का है, लेकिन आपको यह बताना है कि यह वीडियो रोहतांग पास में कहाँ से कहाँ तक का है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कीजिए, लाइक बटन थोड़ा सा नीचे है। रोहतांग पास का एक अजीब तथ्य है, उसके बारे में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे तो एयर प्रेशर वो कम होता जाएगा। यदि आप कुरकुरे का पैकेट साथ लेकर आए हैं तो वो इतना फूल जाएगा कि कभी कभी तो इतना फूल जाता है, मैं आपको यहाँ वो पैकेट दिखा रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। देखो ये इस प्रकार में प्रचार नहीं कर रहा, ये पैकेट इतना फूल जाता है कि कभी कभी अपने आप ही फट जाता है, यानी कि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फूला हुआ लगता है और प्रेशर बाहर कम होने से ये फट भी सकता है। ये अजीब तथ्य है, आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। इसी वजह से जो मैदानी इलाकों से लोग आते हैं उनके कानों के अंदर सुनाई कम देता है या साय साय की आवाज़ आती है, तो लोग कान फड़फड़ाते हैं कि मेरे कानों में क्या हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो प्रेशर का जो बैलेंस है कम और ज़्यादा का है, उसी वजह से हो रहा है। जैसे जैसे आप हाइट लूज़ करोगे तो आपके कान हैं अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो ये पैकेट मैंने उसको बताने के लिए प्रयुक्त किया है। अब हम चर्चा करते हैं कि मानसून सीजन में रोहतांग पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो रोहतांग पास यदि आप मनाली आ रहे हो तो आपका सफ़र रोहतांग पास गए बगैर अधूरा है, इसलिए आपको जहां तक संभव हो रोहतांग पास की यात्रा करनी चाहिए। अब वेदर कंडीशन कैसी है, तो वेदर फोरकास्ट आप देख सकते हैं, मौसम विभाग की साइट पर जाइएगा और वेदर फोरकास्ट में क्या है। यदि तीन प्रकार के अलर्ट जारी किए जाते हैं,
येलो, ऑरेंज और रेड। यदि रेड अलर्ट जारी किया है बारिश के संबंध में रोहतांग पास का जो वेदर रेड अलर्ट पर है, तो आपको निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने से आपको खतरा हो सकता है। यदि आपको येलो अलर्ट जारी हुआ है तो आप निश्चित रूप से जा सकते हो, बारिश होगी। और इसी प्रकार के जो नज़ारे मैंने दिखाए वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अब ऑरेंज अलर्ट यदि जारी होता है, यानी पीला से नारंगी रंग, यानी थोड़ा सा गहरा होता है और उससे ज़्यादा गहरा होता है लाल, जैसे जैसे गहरापन बढ़ता जाता है खतरा उसी अनुसार बढ़ जाता है, तो आप उस खतरे को मोल न लें, क्योंकि आपका जीवन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इसलिए खतरा मोल न लें, यदि जिंदा रहे तो रोहतांग पास और आते रहेंगे। तो क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड होने का बहुत खतरा रहता है, कोई भी पत्थर आपकी जान ले सकता है, यदि आपके फैमिली के साथ आए हैं तो आपकी परिवार की जान ले सकता है, तो इसलिए खतरे मोल न लें। तो आप खुद डिसीज़न कीजिएगा कि वहाँ के तत्कालिक मौसमी दशाएँ किस प्रकार की है, इस मौसमी दशा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नज़ारे बहुत ही अद्भुत और स्वर्ग के समान आपको यहाँ प्रतीत हो रहे होंगे। और यदि आप ये तो वर्चुअली देख रहे हो, यदि आप रियलिटी में देखोगे ना तो बहुत ही शानदार नज़ारे हैं, और यहाँ आपको स्वर्ग जैसा एहसास होगा, ये रेनबो सेवन चैनल का दावा है। और यदि आप इस रेनी सीज़न आ रहे हो तो आप अपने इस सीज़न के अनुसार ज़रूर कपड़े लाइएगा, अपने गैजेट को भी बचाइएगा और साथ में खाने पीने का सामग्री भी साथ में लेकर आइएगा। मैंने पिछले वीडियो जो 5 वीडियो रोहतांग पास की सीरीज जारी की थी, यदि आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, 5वीं वीडियो का ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो है, मैंने बड़ी मेहनत से और HD क्वालिटी के अंदर बनाई थी। और आपके लिए वापस यह वीडियो मानसून सीजन का मैं बना रहा हूँ। और एक क्वेश्चन बच गया था कि रोहतांग पास में बर्फ़ कितनी है, तो रोहतांग पास में बर्फ़ अभी है, बर्फ़ पिघल रही है क्योंकि टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और रेनफॉल होने से भी बर्फ़ जल्दी पिघलती है, तो पिघल तो रही है और 31 जुलाई तक ये बर्फ़ रहेगी। अच्छी मात्रा में आपको ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक ठाक आपको ऊपर की साइड में मिल जाएगी। यदि आप बर्फ़ देखने के लिए आ रहे हो तो आप आ सकते हो, कभी कभार अभी भी रेनफॉल के साथ कभी कभी रात्रि के समय स्नोफॉल होता है अभी भी, तो उससे वो मेंटेनेंस वापस हो जाती है। और ये बर्फ़ के लेटेस्ट नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं, और ट्रैफिक अब कम हो गया है, और इसके टैक्सी के, होटल्स के और खाने पीने के चार्ज भी अब आपको कम पे करने होंगे, क्योंकि लगभग अभी ऑफ सीजन सा हो जाता है और आपके पास समय है। बिना यदि रिस्क मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है कि आप रोहतांग पास जा सकते हो, मौसम सेफ है, तो निश्चित रूप से जाइएगा और यहाँ की यात्रा का एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय, बहुमूल्य राय है, हमें दीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो यदि आप और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तहे दिल से लिखिएगा कि इस प्रकार के वीडियो हमें चाहिए। और एक मैं सीरीज चलाना चाहता हूँ चंबा से भरमौर की, यदि आप उसके बारे में भी लिखेंगे तो मैं वो चालू करने वाला हूँ,
बहुत ही शानदार वीडियो है। और ये रोहतांग पास वाली श्रृंखला और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर लिखिएगा। वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।